गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माय सेल्फ निकिता पुलवार। एंड जैसा कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था वो कंप्लीट कर चुके हैं। जब हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, आप लोगों को याद होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके समीकरणों के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो दे रखा है हमको, हमने क्षार और लवण के बारे में, ठीक है, तो हमको इसके बारे में स्टडी करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें, सबसे पहला जो हमको चैप्टर में सेकंड दिया हुआ है उसमें हमको क्या पढ़ना है, अम्ल क्षार के बारे में पढ़ना है। वैसे हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। स्टार्ट करें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा होना स्वाद भोजन के विद्यमान क्रमशः अम्ल और क्षारकों के कारण होता है। हमने इस बारे में पढ़ रखा है कि हमारा जो भोजन अगर कड़वा है या खट्टा है तो कहीं ना कहीं अम्ल और क्षार की वजह से होता है। यदि आपने परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के बाद अम्लता से पीड़ित होता है तो आप उसमें कौन सा उपचार सुझाएंगे? अब हमको यहाँ पूछा गया है कि अगर हमारे फैमिली में किसी ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, यानी ऐसा होता है ना कि गर्मियों के दिनों में कहते हैं कि खाना हजम नहीं होता है, है ना, एसिडिटी हो जाती है ना, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, अम्लता कहते हैं। यानी एसिडिटी होने पर आप क्या लेने आप पसंद करोगे, यानी अगर आपके फैमिली में किसी को एसिडिटी हो गई है तो क्या लेना पसंद करोगे आप, उसको नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडे का बिलियन, इन तीनों में से क्या दोगे जिससे वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए? उपचार बताते समय आप किसी गुणधर्म, किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि आम तथा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, आपने अवश्य इसी जानकारी का प्रयोग किया होगा। अब हमको क्या पता है अगर एसिडिटी हो रही है तो हम क्या कहते हैं कि नींबू पानी वगैरह पी लो, है ना, क्यों? क्योंकि जो हमारी क्यों देंगे ऐसे कुछ सजेशन या नींबू पानी सिरका या बेकिंग सोडा, क्योंकि हम जानते हैं कि उनको एसिडिटी हो रही है। जो एसिड जो होता है, यानी एसिड जो होता है बेस को, बेस से कनेक्ट होकर क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल कर देता है। यानी एसिड जो है, अगर एसिडिटी बढ़ रही है किसी को तो हम क्या करेंगे, उसको अगर बेसिक सोल्यूशन कोई दे देंगे, यानी कि क्षार का कुछ सोल्यूशन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों? एसिड जो होता है वो उल्टा होता है बेस का, और बेस जो होता है जस्ट उल्टा होता है एसिड का। यहाँ एसिड अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो वो बेस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम उसके बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह से बेस ज़्यादा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एसिड की उससे उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। याद कीजिए कि हमने किस बिना स्वाद चखे खट्टे तथा कड़वे पदार्थों की जांच की थी। कैसे कर सकते हैं हम बिना चखे खट्टे तथा कड़वे पदार्थों की जांच, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। वैसे हमने इस बारे में पढ़ा हुआ है कि हम बिना स्वाद चखे खट्टे तथा कड़वे पदार्थों की जांच कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा और तथा यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यानी अम्ल जो होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और इनका जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। और जबकि क्षार जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, और यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, है ना। तो अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे, और वो नीले लिटमस पेपर को क्या करेंगे, लाल कर देंगे। जबकि जो क्षार रहेंगे वो क्या रहेंगे, कड़वे, और क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर को कर देंगे नीला। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस क्या होता है, एक सूचक होता है, सूचक यानी इंडिकेटर, यानी जिससे हमको सूचना मिले, है ना। तो एक क्या होता है, प्राकृतिक इंडिकेटर होता है, यानी प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक जाना जाता है, हल्दी भी एक सूचक है। किस तरह से, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग जब क्षार की प्रवृत्ति वाले साबुन से रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा हो जाता है? आपने यूँ भी देखा होगा, अगर आप हल्दी, आपके अगर हाथ में हल्दी लगी हुई हो और आप जाके उसको साबुन से धो रहे होते हैं तो आपके हाथ कहीं ना कहीं लाल लाल धब्बे हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई वाइट शर्ट है या वाइट कपड़ों पर हमने हल्दी ढोल ली है गलती से, और अगर उसको साफ़ करने हम साबुन लगाकर उसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो धब्बे जो हो जाएंगे वो किससे हो जाएंगे, रेड रेड कलर के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी हल्दी होती है वो एक तरह से इंडिकेट कर रही है कि जो साबुन है वो कौन सा है, क्षार प्रवृत्ति का है, ठीक है। लेकिन कपड़ों को अत्यधिक जल में से धोने पर पश्चात वह फिर से पीले रंग के हो जाते हैं। इसी के इतना हो गया कि हमारे लाल धब्बे हो गए। अब उसी कपड़े को अगर हम बहुत ज़्यादा पानी में भिगो के रखेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल जो था वैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, हल्दी में क्या लगा, साबुन लगा, यानी क्षार लगा। साबुन जो होता है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो क्या लगा, कपड़े पर क्षार लगा, यानी हल्दी पे, हल्दी लगी हुई कपड़े पर उसमें क्या लगा, क्षार लगा।
तो जिससे क्या हो गया, वो पीले रंग के दाग कितने हो गए, लाल रंग के। अब उसी क्षार के प्रभाव को कम करने के लिए हमने क्या करा, उसको बार बार पानी में भिगोया, तो पानी में की वजह से क्या हो गया, वो लाल धब्बे फिर से क्या हो गए, पीले हो गए। तो एक तरह से जो क्षारीयता थी साबुन की, उसको कम किसने कर दिया, पानी ने कम कर दिया। अम्ल क्षार की जांच करने के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज फिनोफ्थिलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम पहले तो हमने देखा कि अम्ल और क्षार की जांच अपन लिटमस पेपर से कर सकते हैं, इसके अलावा अगर अम्ल और क्षार की जांच करनी होगी हमकी तो हम क्या कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज हुआ, फिनोफ्थिलीन हुआ, ये भी सारे सूचक होते हैं। पर ये कैसे होते हैं, संश्लेषित होते हैं, यानी इनको क्या कहा जाता है, बनाया जाता है, जबकि लिटमस जो होता है वो कैसा होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, इस अध्याय में हम अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल क्षार एक दूसरे से प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तथा साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली उपयोग आने वाली वस्तुएं भी। यानी कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, अम्ल और क्षार के बारे में, उनकी रिएक्शंस के बारे में, उनके एक दूसरे पर प्रभाव क्या होते हैं उनके बारे में। ठीक है, इतना पढ़ लिया हमने, अब आगे चले हम। आगे हमको क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है हमको, हम उससे पहले पढ़ लेते हैं हम एसिड और बेस के बारे में। हमने पढ़ा हुआ है कि एसिड और बेस हमको पता है क्या होते हैं, हम इसको एक बार और देख लें। एसिड क्या होते हैं, किसी खाने की चीज़ या खट्टा स्वाद उसमें उपस्थित एसिड के कारण होता है। यानी किसी भी खाने की चीज़ में अगर खट्टा स्वाद है तो वो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसके एसिड, उसमें एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे क्या हुआ, नींबू हुआ, नींबू में खट्टा स्वाद होता है ना, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, नींबू क्या होगा हमारा, एसिड होगा। इसी के साथ किसी खाने की चीज़ में कड़वा स्वाद उसमें उपस्थित बेस के कारण होता है। और किसी खाने की चीज़ में कड़वा स्वाद, जैसे साबुन का कभी गलती से आपने मुंह में लगा जाए तो क्या होता है, कड़वा कड़वा सा स्वाद आता है। तो किसी खाने की चीज़ का खट्टा स्वाद अम्ल और कड़वा स्वाद क्षार को दर्शाएगा। अम्ल क्या कहते हैं, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ये लाल लिटमस पेपर को यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, जो अम्ल जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल करते हैं, जबकि यहाँ लिखा हुआ है लाल लिटमस, तो हम इसको कर देंगे, अम्ल क्या करते हैं हमारे नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल करते हैं। ठीक है, और जो क्षार जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाल नीले की गलती हुई है, वो आप सही कर लेना। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया, अगर हम अम्ल के एग्जांपल ले तो हमारा जैसे हुआ नींबू, और क्षार के एग्जांपल ले तो साबुन और सर्फ जो हुआ वो सारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया हमने, अब आगे चले हम। आगे हमको क्या दिया हुआ है, हमको इसी में बोला था कि इस अध्याय में हम अम्ल क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल क्षार एक दूसरे से के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली वस्तुएं तथा उसमें आने वाली वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। यानी क्या पढ़ना है भाई, अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ना है, उनके आपस में रिएक्शन, एक दूसरे से रिएक्शन, और बाकी पदार्थों से कैसे रिएक्ट करते हैं वो, उन सब के बारे में। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है, ये लिटमस पीलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। यानी लिटमस किसे बना होता है उसके बारे में बताया कि लिटमस पीलियन जो होता है बैंगनी रंग का क्या होता है, रंजक होता है, जो थेलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकलता है। यानी क्या होता है, ये एक तरह से रंजक होता है जो क्या कहता है, थेलोफाइटा समूह के लीचेन से निकलता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है, जो लिटमस होता है हम सूचक की तरह यूज़ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये कैसा होता है, प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक कैसे निकलता है, ये थेलोफाइटा समूह के जो लीचेन और पौधे होते हैं उनसे निकलता है, प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस पीलियन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। जो लिटमस पीलियन जो होता है, यानी कि नॉर्मली हम कह रहे हैं ना, अगर तो लिटमस, तो इस तरह से जो हमारा लिटमस पीलियन जो होता है, यानी कि हम लिटमस या तो पेपर के यूज़ में यूज़ कर सकते हैं या पीलियन, यानी क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो लिटमस जो रहता है वो ना ही उसकी प्रकृति ना ही अम्लीय जैसी रहेगी ना ही क्षारीय जैसी। अगर अम्लीय जैसी रहेगी तो क्षार को इंडिकेट कैसे कर पाएगा, और अगर क्षारीय रहेगी तो अम्ल को इंडिकेट कैसे करेगा। इसलिए क्या होता है, उसकी प्रकृति ना ही अम्लीय रहती है और ना ही क्या रहती है, क्षारीय होती है, तब यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी है ना, तो ये क्या हो जाता है, नॉर्मली क्या रहता है, लिटमस जो रहता है पीलियन वो बैंगनी रंग का होता है। उसके अलावा बहुत सारे प्राकृतिक हमारे पास क्या है, इंडिकेटर्स भी है, जैसे पत्ता गोभी हुई है ना, वो क्या होती है, लाल कर देती है। हल्दी
मतलब लाल कलर की पत्ता गोभी हुई, हल्दी हुई, हाइड्रेजिया हुआ है, पेटूनिया हुआ, जेरानियम हुआ, जैसे कई अलग फूल है ना, जिनकी पंखुड़ियाँ किसी विलियन के अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को सूचित कर देती है। इनकी हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये अम्ल क्षारक की जानकारी दे रही है, तो इसे अम्ल क्षारक सूचक या और क्या कह सकते हैं, सी सूचक भी कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो तत्व रहते हैं, यानी कौन कौन किस किस की हेल्प से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, यानी कैसे पता कर सकते हैं हम कि हाँ ये अम्लीय और ये क्षारीय है। किनकी हेल्प से, हमारे सूचक की हेल्प से। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक है ना। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सूचक कौन कौन से होते हैं, पहला तो लिटमस होता है, हमने पढ़ा है लिटमस के बारे में। दूसरा लाल पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी होती है उसका रस भी क्या कर सकता है, हमको सूचक यानी अम्ल क्षार की पहचान में हेल्प कर सकता है। तीसरा हल्दी और चौथा हाइड्रेजिया के फूल का रस, ये चारों हमने भी पढ़ा कि एक सारे क्या कर सकते हैं, इंडिकेट करते हैं कि अम्ल क्षार। अब किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। जो लिटमस जो होता है वो अगर वो अम्ल होगा, यानी कोई विलयन है वो अम्ल है, तो लिटमस क्या करेगा, उसको लाल कर देगा। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि अम्ल क्या कहता है, लिटमस को लाल कर देता है। और अगर वो क्या रहेगा, क्षार रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, विलयन नीले रंग का हो जाएगा, क्योंकि वो लिटमस को क्या कर देगा, नीले रंग का कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद है लाल पत्ता गोभी का रस। हमने अभी तक लिटमस के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, अब लाल पत्ता गोभी का रस कैसे हेल्प करता है हमको अम्ल क्षार की जांच करने में। जो लाल पत्ता गोभी का रस होता है वो अगर अम्ल के साथ कनेक्ट होगा या अम्ल के संपर्क में आएगा तो वो किस तरह का हो जाएगा, लाल रंग देगा। अगर अम्ल किसी भी तरह का होगा, अगर लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है, उसका रस लाल हो जाता है। जबकि वो क्षार के संपर्क में आएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरे कलर का हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो हल्दी होती है वो अम्ल के संपर्क में आने पर कोई भी बदलाव नहीं करती है, यानी हल्दी रहती है उसको अम्ल के संपर्क में रखें हम तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। पर इसी के विपरीत अगर उस अम्ल को, उस हल्दी को हम क्षार के संपर्क में ला रहे थे तो वो कलर लाल हो रहा था, जैसे हमने साबुन का एग्जाम्पल देखा था। इसी तरह से हाइड्रेजिया का फूल जो रहता है वो क्या करता है, अम्ल की प्रेजेंस में कैसा हो जाता है, नीला कलर देता है, जबकि क्षार की प्रेजेंस में क्या देता है, वो गुलाबी कलर देता है। तो ये तो सारे हमारे क्या थे, प्राकृतिक सूचक थे। ठीक है, इसी तरह से जो कृत्रिम सूचक होते हैं, हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा है, हमको संश्लेषित सूचक जो होते हैं फिनोफ्थिलीन और मेथिल ऑरेंज होता है। जो फिनोफ्थिलीन होता है वो अम्ल को के संपर्क में आने पर कैसा होता है, रंगहीन हो जाता है, यानी अम्ल जो होते हैं फिनोफ्थिलीन के संपर्क में आने पर कैसे होते हैं, सॉरी फिनोफ्थिलीन जो होता है वो अम्ल के संपर्क में आने पर कोई भी कलर चेंज नहीं करता, ये रंगीन रहता है। जबकि अगर क्षार के संपर्क में आता है तो वो कैसा रंग दे देता है, गुलाबी रंग दे देता है। तो इस तरह से हमको पता चल रहा है कि अगर फिनोफ्थिलीन की हेल्प से हमको क्षार की पहचान करनी है, अम्ल की पहचान करनी है, तो अम्ल क्या हो जाएगा, अम्ल क्या करता है, फिनोफ्थिलीन में कोई रंग नहीं बदलता है, जबकि जो क्षार रहता है वो कैसा हो जाता है, गुलाबी कलर दे देता है। ऐसे ही मेथिल ऑरेंज क्या कहता है, अम्ल के साथ क्या रहता है, लाल रंग देता है, जबकि क्षार के साथ पीला रंग देता है। इसी तरह से गंधीय सूचक जैसे प्याज का रस हुआ, वेनीला हुआ और लौंग का तेल हुआ, जो प्याज का रस रहता है वो अम्ल के साथ बहुत तीव्र गंध देता है, यानी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है उसकी, जबकि क्षार के साथ क्या होता है, कोई भी गंध नहीं देता है। इसी तरह से जो वेनीला होता है वो क्या कहता है, समान गंदी रहती है, कब, अम्ल के साथ, और अगर क्षार के साथ संपर्क में आएगा तो कोई गंध ही नहीं देगा। ठीक है, ऐसे लौंग का तेल जो हुआ वो क्या होता है, लौंग का तेल जैसे स्मेल आती है वैसी आएगी अगर वो अम्ल के संपर्क में आएगा, पर जैसे क्षार के संपर्क में आएगा तो उसकी जो गंध होगी वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम सूचक की हेल्प से अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं, है ना। अब हमको एक प्रैक्टिकल भी दे रखा है अम्ल क्षार क्या करना है, गुणधर्म को समझाने के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षारक की पहचान क्या दिया हुआ है हमको, क्रियाकलाप वैज्ञानिक विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के नमूने लीजिए। अब इसमें आपको पहचान में आ रहा है कि कौन कौन से इसमें अम्ल है, कौन कौन से क्षार है। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल तक, ये सारे हमारे कौन है, ये सारे
अम्ले, जबकि हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या बोला है, इन सारे विलयन को प्रयोग करने के लिए एकत्रित करने का बोला। उसके बाद क्या हुआ है, प्रत्येक विलयन की एक एक बूंद वॉश ग्लास के बारी बारी से रखिए। और क्या करना है हमको, इन जितने भी विलयन लिए की हैं उनकी एक एक बूंद हमको क्या करनी है, वॉश ग्लास पे रखनी है और अनुसार निम्नलिखित सूचकों की जाँच कीजिए। और फिर उनको इन नींद की हेल्प से हमको क्या करनी है, इनकी जाँच करनी है। कौन कौन से, लाल लिटमस पेपर है, नीला लिटमस, फिनोफ्थिलीन, मैथिल ऑरेंज, विलयन के साथ लिए गए विलयनों के रंग में क्या क्या परिवर्तन होता है। हमने अभी हाल पढ़ा कि जो हमारा लाल लिटमस होगा वो कैसा हो जाएगा, अगर अम्ल के संपर्क में आएगा तो कोई चेंज नहीं देगा, पर अगर क्षार के संपर्क में आएगा तो लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और नीला लिटमस पेपर अगर अम्ल के संपर्क में आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। फिनोफ्थिलीन जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा हमने कि अम्ल के संपर्क में आने पर फिनोफ्थिलीन कैसा रंग दे रहा है, कोई भी कलर नहीं बदलेगा। जबकि मैथिल ऑरेंज क्या करेगा, अम्ल के संपर्क में आने पर लाल कलर देगा। ऐसे ही अगर मैथिल ऑरेंज क्षार के संपर्क में आएगा तो कैसा, गुलाबी रंग देगा, है ना। और फिनोफ्थिलीन गुलाबी रंग देगा। और जो मैथिल ऑरेंज होता है वो कैसा रहता है, क्षार के साथ पीला रंग देगा। तो इसी तरह से हमको क्या बोला है, जितने भी यहाँ पे ये नमूने दिए हैं हमको, उन सारे नमूनों को क्या करना है, हमको जांच करनी थी और पता करना था कि कौन से इसमें एसिड है और कौन से इसमें बेस है। तो हमको पता है कि जो एसिड होगा वो क्या देगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, जो बेस होगा वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, जो फिनोफ्थिलीन होगा वो एसिड के साथ कोई रंग परिवर्तन नहीं करेगा यानी रंगहीन रहेगा, और बेस के साथ क्या हो जाएगा, वो गुलाबी रंग देगा। जबकि जो हमारा मेथिल ऑरेंज है वो क्या करता है, एसिड के साथ लाल रंग और बेस के साथ पीला रंग, बेस यानी क्षार के साथ पीला रंग देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चल गया कि हम इनकी हेल्प की से क्या कर सकते हैं, एसिड बेस में पहचान कर सकते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर जो पढ़ा था इसमें हमने पढ़ा था कि हमको पता चला कि हमारे जो सूचक होते हैं कितने, तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम और तीसरा गंधी सूचक। इसके बारे में भी हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या कुछ पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्षार होते हैं। यानी हमको रंग से ही पता चलता है कि कुछ पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, कुछ पदार्थ क्षार होते हैं। जिनकी गंध अम्ली या क्षार के माध्यम से भिन्न होती है इन्हें गंधी सूचक कहते हैं। आइए हम इनके बारे में जाँच करें। यानी क्या बोला है कि जिनकी गंध जो होगी वो अम्ली या क्षार के माध्यम से भिन्न हो जाती है, यानी ना ही उसकी अम्ली रहेगी ना ही क्षारी रहेगी, वो क्या कहलाएंगे, गंधी सूचक कहलाएंगे। यानी उनकी गंध की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम क्षार की जांच कर सकते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पे एग्जांपल वही प्याज का दिया हुआ है। प्याज क्या करेगा, अम्ल के साथ क्या हो जाएगा, वो तीव्र गंध देगा और क्षार के साथ क्या करेगा, कोई भी बदलाव नहीं करेगा। वो अभी हाल हमने पढ़ चुके हम, है ना। तो इस तरह से हमको ये अलग प्रैक्टिकल बताया था कि अम्ल जो रहेगा प्याज के छिलकों के साथ बहुत तीव्र गंध देता है, जबकि क्षार क्या रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने क्या करा, हम लोग क्षार के बारे में हम पढ़ा है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं अब अम्ल क्षार के अंतर। ठीक है, जो अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल क्या कर रहे हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, जबकि हमारे क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अम्ल जो है जल में विलयन में H+ आयन देते हैं, और जो क्षार जो होते हैं जली विलयन में OH- आयन देते हैं। कैसे, क्योंकि हमारे जो अम्ल होते हैं, जैसे हमने अभी हाल अम्ल का एग्जाम्पल लिया था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्षार का लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी इनको जब जल में घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H+ आयन देगा, कौन, अम्ल। और जबकि अगर इनको क्षार को घोलेंगे, ये NaOH क्षार होता है, क्षार को जब हम घोलते हैं तो ये कैसा आयन देता है, OH आयन देता है। इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ कि जल में विलयन होने पर अम्ल जो होते हैं H+ आयन देता है, जबकि क्षार क्या देता है, OH- आयन देता है। अम्ल का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7 से कम होता है। जो pH स्केल होती है ना, आपने सुना है कि pH स्केल से भी हम अम्ल और क्षार के बारे में पता कर सकते हैं, है ना, वह 14 तक उसमें नंबर होते हैं टोटल। अगर 7 से कम होंगे तो वो कौन से होते हैं,
सारे अम्ल होते हैं और 7 से ज़्यादा होता है तो सारे कितने होते हैं, क्षार होते हैं। तो इस तरह से अम्ल और क्षार के बारे में हमने पढ़ा। इसके बारे में और आगे चीज़ें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इतना आपको रिमाइंड करना है अभी, ठीक है। थैंक यू।